जय बाबा की, जय माता जी की, करोड़शंकर महादेव बाबा की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजने बाबा जी, माँ और गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अर्जी के बारे में बताने वाली हूँ। जब आप दरबार में पहली बार आते हो तो सबसे पहला काम हमें दरबार में बाबा माता को अर्जी ही लगानी होती है। तो अर्जी के समय जो चीज़ें हमें मिलती है, सामग्री मिलती है, उसका हमें क्या करना है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। हमारे साथ में एक भैया आए हुए हैं। तो कहाँ से भैया आप आए हैं? आज बाबा माता को अर्जी लगा रहे हैं और इन्होंने तीन चार अर्जी ली है। आपने चार अर्जी क्यों ली है? मतलब ये भैया चार अर्जी लिए हैं क्योंकि इन्होंने डीएनए में चार लोगों को रखा है, तो जो चार लोगों को रखा हुआ है चारों के नाम से ये अर्जी लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अर्जी है इसके अंदर एक नारियल मिलता है और इस प्रकार की श्रृंगार के सामान कुछ मिलते हैं। चुन्नी है, चुन्नी, बिंदी, कुमकुम, ऐसे करके दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी और साथ में चूड़ी मिल जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हवन सामग्रियां है। ये इस प्रकार का आपको अर्जी मिलेगा। इसके अंदर बाबा और माता दोनों की अर्जी मिल गई है। और ये जो चुन्नी मिली है इसको सबसे पहले ये अर्जी है बाबा माता की, ये अर्जी लेके आपको बाबा जी के दरबार में जाना है। वहाँ पे ब्राह्मण देवता बैठे रहते हैं और उनको देना रहता है, तो उसमें से वो कुछ चीज़ें, कुछ हवन सामग्रियाँ जो रहती है वो रख लेते हैं। और उसके बाद आपको नारियल और जो श्रृंगार का सामान है वापस करते हैं। फिर कहते हैं कि आप माता जी के मंदिर में जाओ, तो माता जी के मंदिर में आपको जाना रहता है। वहाँ पे पहले बाबा जी के मंदिर में आप गए, वहाँ पे जाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। जो दुख तकलीफ है, जो जो मनोकामना लेके आप दरबार में आए हो, वही प्रार्थना आपको बाबा माता से करनी होती है, ठीक है। करने के बाद ब्राह्मण देवता आपको कहेंगे कि आप माँ के मंदिर में जाइए, जो सामग्री आपको वापस रिटर्न करते हैं, जैसे नारियल हो गया और कुछ श्रृंगार का सामान आप देख सकते हैं, ये ले के हमें माँ के मंदिर में जाना होता है। माँ के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे आपको प्रार्थना करनी होती है। तीन त्रिशूल लगा रहता है, तीनों त्रिशूलों को आपको पकड़ना होता है और प्रार्थना करनी है। जो मनोकामना है, जो इच्छा लेके आप दरबार आए हो, जो तकलीफ माँ को एक बच्चे की तरह आपको बतानी है। और इसमें क्या होता है, अर्जी लगाने आपकी अर्जी भी लग जाती है और खुद की हाजिरी भी आपकी लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि दरबार के संरक्षण में आप आ जाते हो, दरबार जो है ना, दरबार को पता चल जाता है और आप पे कार्यवाही शुरू हो जाती है, दरबार करता है, फिर धीरे धीरे आप लोग का अच्छा होने लगता है। और मान लीजिए अगर आप लोग दरबार की तीन विधि है, एक नमन की विधि, हवन की विधि है और एक वंड चिकित्सा की विधि है, तो उसके बाद अर्जी लगाने के बाद आप दरबार की जो विधियां हैं उसके अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप विधि अपना के स्वस्थ होते हैं। मान लीजिए आप नमन कर रहे हैं तो के अंदर 21 शनिवार और 7 अमावस्या आपको दरबार में कंटिन्यू आना है। और 21 शनिवार और 7 अमावस्या जब जब आप दरबार आते हैं तब तब आपको एक अर्जी इस तरह की लेके लगानी है। डीएनए में जितने भी व्यक्ति लोग दरबार में आते हैं सबको अर्जी लगानी है, या फिर आप अकेले भी दरबार से जुड़े हैं, आप चाहते कि मेरा पूरा डीएनए स्वस्थ हो जाए, तो जब आप दरबार में आते हो तो सभी डीएनए के सभी व्यक्तियों के नाम से आप एक एक अर्जी लगा दीजिए। बाबा से प्रार्थना भी कर लेना कि बाबा माता, हमारे डीएनए में ये मेरे बच्चे के लिए है, बच्चे का नाम ये है, उसकी तरफ से अर्जी, ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ का नाम ये है, उनकी तरफ से अर्जी, ऐसे करके पूरा नाम के साथ आपको बता देना है, तो अर्जी लग जाएगी और धीरे धीरे सब स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ना जब आप अर्जी लगा लेते हो बाबा माता का, जब आप अर्जी लगा लेते हो तो उसके बाद ये जो श्रृंगार का सामान आप देख रहे हो रिटर्न आपको मिलता है, इसके अंदर चुन्नी है। तो लोग क्या करते हैं, दरबार में कुछ भक्त हैं यहाँ पे पीछे की साइड में, ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं शिव परिवार है, यहाँ पे पीछे शिव परिवार के सामने ही रेलिंग पे ये चुन्नी बांध देते हैं, ठीक है। अभी आज ही चुन्नी को खोला गया है, अब तो ये चुन्नी हमें बांधना नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें हमें रिटर्न मिलती है ये बाबा माता हमें आशीर्वाद के रूप में देते हैं, प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, तो ये हमें अपने घर पे लेके जाना है। अब ये चुन्नी है, अब आप सोचेंगे इसका हमें करना क्या है, तो ये प्रसाद के आशीर्वाद रूप में माँ आपको देती हैं, तो इसे जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अपने घर में आप कहीं सुरक्षित जगह पर रख सकते हो, बांध सकते हो, कहीं फैक्ट्री होगी,
आपके भाव कोई अपनी गाड़ी पे बांध लेता है कि माँ का आशीर्वाद रूप में, तो ऐसे करके आप कहीं भी उसको सुरक्षित जगह बांध दे जहाँ पे लगता है कि नहीं मुझे माँ बाबा का आशीर्वाद चाहिए, कृपा बनी रहे, तो अच्छी जगह उसे बांध दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो श्रृंगार के सामान में कुछ पैर में कलर लगाते हैं वो मिला हुआ है, तो महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको इस्तेमाल कर लेना है। बिंदी मिली है तो ये बिंदी भी महिलाओं को इस्तेमाल कर लेना है, और सिंदूर मिला हुआ जो सुहागिन महिलाएं होंगी वो उनको इस्तेमाल करवा लेना है। कुछ लोग का ये भी प्रश्न होता है कि हमारे डीएनए में अभी कोई सुहागिन महिलाएं नहीं है, हम क्या करें, तो आप ना क्रॉस डीएनए को भी दे सकते हो, जैसे कि आपकी बुआ मामी ऐसे लोग, मतलब सुहागिन महिलाओं को दे देना है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आपके घर में ही सुहागिन महिलाएं हैं तो वो उनको इस्तेमाल करवा लेना है। अगर सुहागिन नहीं है, कुंवारी हैं लेकिन उनको अच्छा लगता है बिंदी बिंदी लगाना, तो वो लगा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ का आशीर्वाद रूप में मिला हुआ तो आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं दरबार में आके चुन्नी बांध देते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग बता दूँ, बांधना नहीं है आप लोग को, घर में लेके जाना है, अपने यूज़ करना है। कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वापस एक आध दो वीडियो बना के मैं आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव, बाबा की जय।